एनआरसी के अंदर कोई प्रावधान नहीं है कि और धर्मों के लोगों को रजिस्टर में नहीं लिया जाएगा, सभी धर्मों के लोगों को लिया जाएगा, जो भारत के नागरिक है वो सभी को लिया जाएगा, इसमें कोई धर्म के आधार पर भेदभाव करने का प्रश्न ही नहीं है। एनआरसी एक अलग प्रक्रिया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वो एक अलग प्रक्रिया है। लोकसभा के अंदर ये बिल पारित हुआ था, एक स्टैंडिंग कमिटी ने इसको अप्रूव किया है जिसमें सभी पार्टी के लोग थे, और सिलेक्ट कमिटी ने, और इसमें धर्म के बारे में भी सभी पार्टियों की सहमति से ही ये सदन के अंदर आया है, ये कोई नई बात नहीं है। अब क्योंकि अभी इसलिए नहीं आया कि लोकसभा लैप्स कर गई, अब वो बिल लैप्स कर गया, अब फिर से आएगा। इसका मैंने जिक्र किया था, जो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन उस वक्त लोकसभा में आया था उसका जिक्र किया था, मगर अभी भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसकी एनआरसी से कोई लेन देन नहीं, एनआरसी अलग प्रक्रिया।